हे एवरीवन, दिस इज़ उषा, उषा ब्लॉग योगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आज लेके आई हूँ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊँगी। स्थिति देख लें, आसन पर खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन सीधी, आँखें बंद। देखेंगे अब पेट दर्द, मासिक दर्द की समस्या पर लेना करें। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए, आंखें बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। एकदम सीधे रखें पैर और हाथ। अब दायां पैर घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी नितंब पर लगाएंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे रखेंगे, पंजा दोनों आगे की ओर तने हुए, पेड़ों को पिचकाएंगे, सांस भरेंगे। सांस भरते हुए अपनी नासिका घुटने से लगाने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए वापस पैर से पैर मिला लें। अब दूसरा पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी नितंब से लगाएं, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और पेड़ों से घुटने को जंगा से पिचकाएं और पंजा दोनों तान कर रखें। सांस भरते हुए नासिका घुटने पर लगा लें, सांस छोड़ते हुए वापस पैर से पैर मिला लें। अब यही क्रिया दोनों पैर से हम करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, एड़ी नितंबों से सटा लें, हिप से लगा लें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे, दोनों पंजे आगे की ओर तने हुए, दोनों जंगाओं से पेड़ को पिचकाएंगे। सांस भरते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य लगाने का प्रयास करें, आंखें बंद रखें, पंजे दोनों आगे की ओर तने हुए। आपका जितना भी वायु दोष है वो इससे दूर हो जाएगा। डेली प्रतिदिन इस आसन को 3 से 4 बार करें, वायु दोष से आपको राहत मिलेगी। सांस छोड़ते हुए वापस पैर से पैर मिले हुए दोनों पंजे दाएं ओर फैला लें। विश्राम हर एक आसन में करने के बाद विश्राम अवश्य करें, विश्राम आसन के लिए बहुत उत्तम होता है। एक बार और देख लें, दाया पैर मोड़ें, घुटने से पंजा दोनों तना हुआ, सांस भरते हुए नासिका घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस दूसरा पैर भी मोड़ेंगे, नासिका घुटने पर वापस कर ले। एक बार जल्दी से हम देख रहे हैं, दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे, पेड़ को पिचकाएंगे पैरों से और नासिका मोड़ते घुटने पर लगाएंगे। विश्राम मैंने आपको दूसरी बार बहुत जल्दी से दिखाया है, आप दिन में 4 बार करें। आप देख लेते हैं पवन मुक्त आसन करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आपके पेट की जितनी भी गैस है वो निकल जाती है, आप बशर्ते इसे सुबह खाली पेट करें। महिलाओं के लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है। आपके गर्भाशय में जो यूट्रस से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती है। आपकी कमर दर्द, जो आपकी जो कमर में दर्द रहता है वो इससे करने से इससे राहत मिलती है। तो आप प्रतिदिन इसे ज़रूर करें और आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगा इससे। आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनकी आंतों में पाचन सही नहीं रहता वो इस आसन को ज़रूर करें। ये आसन लीवर, आपके लीवर को भी स्वस्थ रखता है, तो प्रतिदिन इस आसन को करें आप। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक।